भारत में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव ही तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी और किस तरह का सत्ता परिवर्तन देश में होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक और बड़ा सत्ता परिवर्तन हिंदुस्तान के साथ साथ ब्रह्मांड में भी होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नव संवत्सर की। आमतौर पर नया साल 1 जनवरी को पूरे देश भर में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार नया साल चैत्र मास में शुरू होता है। हिंदू परंपरा में न्यू ईयर को महत्व न देते हुए नव संवत्सर को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। जब विष्णु जी ने सृष्टि की रचना का कार्य ब्रह्मा जी को सौंप दिया था तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। जिस दिन उन्होंने सृष्टि की रचना की वो दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी, इसलिए इस दिन धार्मिक कार्यों को करना बेहद शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में नववर्ष कब मनाया जाता है और इस साल हिंदुस्तान के साथ साथ ब्रह्मांड में किस तरह का सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जिस प्रकार विश्व के सभी राष्ट्रों में सत्ता परिवर्तन समय समय पर होती रहती है, सन 2024 में भी हिंदुस्तान की राजनीति के लिए सत्ता की भागदौड़ का अनवरत रहना या परिवर्तन होना लोकतंत्र की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में भी 9 अप्रैल 2024 को नव संवत्सर 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि हिंदू पंचांग के अनुसार जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है उस वार के स्वामी को उच्च नव संवत्सर का राजा माना जाता है, इसलिए इस नव संवत्सर के राजा मंगल ग्रह होंगे तथा प्रधानमंत्री का पद शनि के पास रहेगा और वित्त मंत्रालय चंद्रमा और शुक्र के पास होने की वजह से और हमारे देश में मंगल के सत्ता में आने की वजह से जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी, खाद्य उद्योग और अंतरिक्ष विज्ञान में विकास करने में सफलता मिलेगी और शनि का प्रधानमंत्री पद होने की वजह से देश में कुछ कठोर कानून बनाए जाएंगे जो जनता के हित में रहेंगे। साथ ही चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति को अच्छा पद मिलने की वजह से देश में धन धान्य, शेयर तथा सुरक्षा व्यवस्था चार चौगंध रहेगी। इस पर वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य पंडित अमित व्यास ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। नमस्कार। देखिए, 9 अप्रैल 2024 को ब्रह्मांड में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। जिस प्रकार पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र होते हैं उनका भी जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, ठीक वैसे ही अब ग्रहों का भी सत्ता परिवर्तन और आधिपत्य भी परिवर्तित होने जा रहा है, क्योंकि 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को नव संवत्सर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सन 2081 प्रारंभ होने जा रहा है। चूंकि हिंदू गणना के अनुसार जिस वार को नव संवत्सर प्रारंभ होता है उस पूरे वर्ष पर्यंत जो आधिपत्य है उस संबंधित ग्रह का होता है। ऐसे स्थिति में इस बार मंगल ग्रह का आधिपत्य इस संवत्सर वाले साल में रहेगा और मंत्री का जो पद है वो शनि के हाथ में रहेगा, जल मंत्रालय निश्चित रूप से शुक्र के हाथ में रहेगा और शिक्षा से संबंधित जो विभाग है वो बुध और गुरु के हाथ में आएगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल की वजह से हमारे हिंदुस्तान में आईटी सेक्टर, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। वहीं दूसरी ओर मंत्री पद शनि मिलने की वजह से हमारी जनता को कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति सुनने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शनि और मंगल की दोनों की युति होने की वजह से, यूं कह लीजिए कि सत्ता दोनों ही के हाथ में होने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ कड़े कानूनों का नियमन होगा और जिसकी वजह से हमारे देश में भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती या यूं कह लीजिए कि जितने भी प्रकार के दुर्व्यसन हैं उनको समाप्त करने में कहीं ना कहीं ग्रह हमारे लिए सहायक होंगे। और वहीं दूसरी ओर शुक्र को जल मंत्रालय मिलने की वजह से निश्चित रूप से हम शुक्र को जल से ही जोड़ते हैं, अर्थात ये आने वाला जो समय है वो पानी और वर्षा के हिसाब से काफ़ी धन धान्य से पूर्ण होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ होने वाला हिंदू नव संवत्सर हमारे हिंदुस्तान की दृष्टि से काफ़ी परिपूर्ण होने वाला है, धन धान्य की ओर से, आईटी की तरफ से और कानूनी रूप से भी
हमारी सामान्य जनता को लाभ देखने को मिलेगा और जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं हमारा पूरे वैश्विक स्तर पर एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ नजर आएगा। नमस्कार। तो ये थी वो तमाम जानकारी जो आप सभी को जाननी बेहद जरूरी थी। इस तरह की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। मैं अभिजीत शर्मा। नमस्कार।